साइबर सिटी में डॉक्टर ने एक ऐसे रोगी को जीवन दान दिया जिसके परिवार के लोग उसके जीवित रहने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन डॉक्टरों ने हार नहीं मानी। परमजीत नामक व्यक्ति को जीवन दान दे एक मिसाल कायम की। दरअसल परमजीत के लगातार मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, जिसके चलते उसके दिमाग में भी काम करना बंद कर दिया था और उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। डॉक्टरों की माने तो शुरुआत में परमजीत को बुखार की शिकायत हुई थी, जिसके इलाज भिवाड़ी में शुरू किया गया था, लेकिन जब हालात में कोई सुधार नहीं हुआ और दौरे पड़ने लगे तो उन्हें गुरुग्राम के पारस अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने परमजीत की पालसोरेसिस करने का फैसला किया और परमजीत को नया जीवन दान दिया। डॉक्टरों की माने तो पालसोरेसिस से मिर्गी रोगियों को बचाए जाने की दुनिया भर में 200 केस ही रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से परमजीत सौभाग्यशाली है जो इस थेरेपी से इलाज के बाद स्वस्थ हुआ है। नॉर्मल नहीं हो रहा है, तब उस स्टेज में हमें कोशिश करना चाहिए कि अस्पताल जो हमारे घर के पास है उसमें हम जल्दी से जल्दी ले जाएं, ताकि जो इंजेक्शन से हम जो मिर्गी की दवाएं हैं हम उसको लोड कर सकें, ताकि ब्रेन में जो भी थोड़े बहुत भी दौरे आ रहे हैं हम उसको बंद कर सकें। डॉक्टर साहब, कितने मरीज अब तक ऐसे सामने आ चुके हैं, कितने मरीज का ट्रीटमेंट कर चुके हैं थेरेपी से? दौरे के तो हमारे प्लाज्माफेरेसिस का तो ये हमारा पहला मरीज था, क्योंकि इस तरह से आया था, बट दौरे के हमारे जो होते हैं दौरे के बाद रिकवर ना करते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास हर हफ्ते 1 से 2 आते हैं इस तरह के, आते हैं जो पहली बार दौरे आए और सीधा हमारे पास आए और हम फिर कारण पूछते हैं और उस तरह से। डेथ रेट ज़्यादा है इसमें? डेथ रेट इसमें तब ज़्यादा हो जाता है जब कोई दौरा कंटिन्यूस चलते रहता है, इसीलिए ब्रेन में क्या है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जो भी मात्रा वो फिक्स है और उसको कंटिन्यूस चाहिए होता है। अगर हमारा ब्रेन कंटिन्यूस काम कर रहा है और उसको ज़रूरत है और हम दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा, ब्रेन सेल मरना शुरू कर जाता है। तो ब्रेन के पास एक सर्टेन टाइम रहता है, तो हमें दौरे अगर कंटिन्यूस चल रहे हैं और उस टाइम से हम निकल जा रहे हैं तो उसमें कंटिन्यू में दिक्कत होती है। सर, इसका मेन एज कितने किस एज में ज़्यादातर होते हैं? मेन एज जनरली होता है यंग एज में भी होते हैं, ओल्ड एज में ज़्यादा होते हैं, तो 2 एज कमन होते हैं हमारे, तो जैसे हमारा 18 से 30 साल वाले हुए, 60 से 70 साल वाले हुए, उनमें ज़्यादा होते हैं। बच्चों में भी जैसे होता है वो जीवन जो शुरू में होता है उनके जो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है उससे कंटिन्यूस हो जाते हैं, बट ज़्यादातर हमें इसी 2 एज ग्रुप में मिलते हैं। दौरे ना पड़े इसके लिए डॉक्टर्स की टीम अभी किस तरह से? अभी इस पर चल रहा है वर्क कि ऐसा कहें कि बिल्कुल दौरे ना आए, हम किस में पहचान पाए कि इसको दौरे आ सकते नहीं आ सकते, लोग इस पर काफ़ी तरह की रिसर्च कर रहे हैं, बट अभी भी हमारे पास बिल्कुल नहीं पता कि किस आदमी को दौरे बन सकते हैं, हमें पता। ज़्यादातर हमारे पास तब आते हैं जब दौरे हो जाते हैं, उसके बाद से हम होते हैं, तो ये भी रिसर्च का विषय है, इस पर भी रिसर्च चल रही है। जो नस होती है यहाँ से ब्रेन तक जाती है वो बाल सिर्फ बारीक होती हैं, जब उन नसों से ब्लड अगर माइंड के अंदर जाना बंद कर देता तब भी दौरा हो सकता है? उससे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर उसके कारण कोई क्लॉट बन जाता है ब्रेन में तो दौरे हो सकते हैं या ब्लीडिंग हो सकता है, बट जनरली ये ब्रेन के जो फंक्शनिंग है उसमें दिक्कत हो रही है, ये हमारी ब्लड फ्लो से पूरी डिपेंडेंट नहीं होती है। इसके प्लाज्मा थेरेपी एक बार करने से हो जाते हैं, बार बार करना पड़ता है, कितनी देर के लिए करनी पड़ती है? प्लाज्मा थेरेपी के जैसे क्योंकि लोगों ने अभी सिर्फ ट्रायल बेसिस पे किया हुआ है तो लोगों ने देखा है 3 से 5 साइकिल तक आप कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि हमें एक ही बार करना है, 2 बार करना है या 5 बार करना है, बट लोगों ने जो देखा है कि 2 से 5 साइकिल के बीच में आराम मिल जाता है। हमें इसमें पहले में आराम मिला बट हमने फिर भी 2 किया ताकि हम पूरा कंप्लीट उसको रिकवरी कर सके। और प्लाज्माफेरेसिस का ऐसा भी नहीं कि हमें रोज करना है या कैसे करना है, जैसे कुछ लोगों में बोला गया आप रोज भी कर सकते हो, कुछ लोगों में होता है कि जैसे अगर हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है तो हम उसको एक एक दिन छोड़ के भी करते, तो कोई ऐसा फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, रिकवरी पे उठ सब कुछ डिपेंड। कितनी देर का है ये प्रोसेस? एटलीस्ट जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो 4 से 5 घंटे का प्रोसेस होता है, तो जैसे डायलिसिस होता है एक वैसी ही चीज़ें होती है कि आप खून भाई तरफ से बाहर निकालते हो, सफाई करते हो और उसको वापस अंदर डाल देते हो। क्या अगर आप नॉर्मल खर्चा देखते हैं तो आपका 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आता है, ये एक बार जब हमारी उसमें डल जाती है जो पाइप्स होती है डालने का तो उसका पहले कॉस्ट आता है, उसके बाद तो ज़्यादा कॉस्ट है, उसके बाद डिपेंड होता है कि सपोज हमारा बीपी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है तो हमें और तरह के फ्लूइड देना पड़ता है, ये सब चीज़ें देनी पड़ती है, तो उसके थ्रू बहुत कॉस्ट आता है। बट एज सच अगर आप प्लाज्माफेरेसिस वर्सेस आप IVIG देते हैं तो IVIG थोड़ा कॉस्टली होता है, वो 5-6 लाख का आता है, तो ये आपका थोड़ा सा कम दाम में और हमारा रिजल्ट भी इसमें बेटर होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको। सर, इंडिया में पहली बार ये प्लाज्मा थेरेपी हुआ है हॉस्पिटल में या पहले भी कहीं हुआ? प्लाज्माफेरेसिस इस चीज के लिए, देखिए प्लाज्माफेरेसिस हम और भी बीमारियों में करते हैं, इसमें पहली बार हमने। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए दीप मेहता की रिपोर्ट।